तो हम लोगों को लगातार कहते हैं कि जितना भी स्ट्रेस आपकी जिंदगी में आ रहा है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड के अंदर, वो कहीं ना कहीं आपने ही ये ब्रेन मैपिंग अपनी कर रखी है कि मुझे जीतना है आदि। आप बहुत भूखे हैं, है ना, और मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी चाहते हैं अपनी जिंदगी में। हमारे पास भी आके लोग लगातार यही कहते हैं कि मेरी जिंदगी में बहुत तनाव है, एनजाइटी है, और मैं कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में फेलियर का स्वाद चख रहा हूँ, और इस वजह से बहुत इंसान टूटा हुआ और कमजोर महसूस करता है अपनी लाइफ में। कोशिश ये रहेगी कि सिंपलेस्ट वे में मैं आपको ये बताऊं कि कैसे आप वापस से उस जॉय को, उस मस्ती को अपनी जिंदगी में बिल्डअप कर सकते हैं। बिकॉज मैं कल से काम कर रहा हूँ, कल से का मतलब है अभी रात के 4:15 बज रहे हैं, और मैं ये किताब पढ़ रहा था और मुझे लगा कि मैं अभी आप लोगों के साथ इस बुक के जो मेजर पॉइंटर्स हैं वो आपके साथ शेयर करूं। और इतना सुकून रहता है इतनी मेहनत करने के बावजूद भी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दोस्त, जब हम किसी चीज़ से बेइंतहा प्यार करते हैं तो वो कभी भी आपको बर्डन नहीं दे सकती। तो ये आदि जेन मुनि का आपको एक एडवाइस है। आज जो डेली प्रैक्टिसेस मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये प्रैक्टिसेस देखिए इतनी सिंपल टू द पॉइंट है कि आप खुद अपनी लाइफ में जो डे टू डे की आदतें हैं उसमें आप देखिए कि कहाँ हम भटक गए हैं, कैसी चॉइसेस ले रहे हैं जो हमें डिस्टर्बेंस की तरफ लेके जा रही है। अगर हम थोड़ा भी ध्यान देंगे तो एक ग्रेटर पीस को हम अपने अंदर महसूस कर सकते हैं, हम उस फुलफिलमेंट को अपने अंदर बहुत आसानी से महसूस कर सकते हैं दोस्त। तो आप खुद पूछिए अपने आप से कि मॉर्निंग रूटीन ठीक चल रहा है क्या, जो डाइट आप लेते हैं वो ठीक है क्या, रिश्ते जो आप निभा रहे हैं उसमें कौन सा फंडामेंटल पॉइंटर दिमाग में रखते हैं, आपके जो नजरिया है जिंदगी को देखने का वो किस तरीके से चल रहा है आजकल, और जब भी आप शांति की बात करते हैं तो कौन सी चीजें हैं जो आप शांति के लिए अपनी लाइफ में लगा रहे हैं, टेक्निक्स क्या हैं। तो कैसे नंगे पांव चलने से ही, हाँ नेकेड फीट चलने से ही, बेयर फूट चलने से ही दोस्त आप इतना अच्छा महसूस करेंगे अपनी जिंदगी में, ये मैंने इस किताब में पढ़ा। कैसे सिंप्लिसिटी अपनी जिंदगी में लाके, बिकॉज हम थोड़ा जिंदगी को कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, फ्रुगैलिटी ला रहे हैं, मतलब बहुत सारी चीजें पाकर हम खुश होना चाहते हैं, पर चीजें जितनी कम हो हमारी लाइफ में वो कैसे मिनिमलिस्टिक जो तरीका होता है वो हमारी लाइफ को बेहतरीन बना सकता है।